मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज हम जा रहे हैं मंदिर दूसरे वाले हरिद्वार में, और भी बहुत सारे मंदिर है, तो उसमें से आज हम जा रहे हैं एक मंदिर, माँ सुरेश्वरी देवी मंदिर। तो मैं आपको आज दर्शन कराने वाली हूँ माता रानी के। और जैसे कि आज 2 जनवरी है, तो आप इंजॉय करिए, भगवान का नाम लेते रहिए। सो गाइस हम पहुँचने वाले हैं, और देखिए जंगल का रास्ता है, राजा जी नेशनल पार्क का रास्ता है, आगे ये रास्ता वहाँ पहुँच रहा है। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और एंट्री यहां से है। गाइस देखिए एंट्री करते ही रुद्राक्ष का पेड़ है, और आप देख सकते हैं रुद्राक्ष लग रहे हैं इस पे, अभी कच्चे हैं लेकिन। तो ये है सिद्धपीठ श्री सुरेश्वर देवी मंदिर। हाँ ये मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। गाइस हम सुरेश्वरी देवी के दर्शन कर चुके हैं, और यहीं थोड़ा ऊपर चल के एक मंदिर और है माँ काली का, तो वहां भी मैं आपको लेके चलने वाली हूँ। सीढ़ियों से ऊपर रास्ता है, और काफी ऊपर चल के है ये, थोड़ा रास्ता प्लेन है, थोड़ी स्टेयर्स हैं। देखिए हम कितनी हाइट पे पहुंच चुके हैं। नीचे का रास्ता मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा कट मार के हाइट है, तो पता नहीं चल रहा है हाइट का कि कितनी हाइट पे हम, लेकिन ये पूरा राजा जी नेशनल पार्क का एरिया है। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं हमारे, और अब हम बाहर आ चुके हैं, और अब हम वापस जाने वाले हैं। सो गाइस आज मैं तिल के लड्डू बनाने वाली हूँ। एक कढ़ाई में मैंने तिल को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, जिससे कि एक कुरकुरापन आ जाए। और इधर मैंने बनाया है मावा घर का, क्योंकि मेरे पास दूध बचा हुआ था, तो और जो हम सुबह मंदिर गए थे तो मैंने प्रसाद भी निकाल लिया है, और हम इसको खाने वाले हैं। और आज मैं लड्डू बना रही हूँ टेस्टी टेस्टी, सर्दियों में आप भी बना सकते हैं तिल के लड्डू, बहुत टेस्टी भी होते हैं और गर्म होते हैं, तो इसलिए अच्छे भी होते हैं। तो गाइस लड्डू बन चुके हैं हमारे, और देखिए मैंने टेस्टी टेस्टी लड्डू बना दिए हैं, और रेसिपी भी मैंने आपको बता दी, और बहुत टेस्टी बने हैं, जितना मुझे मीठा चाहिए था बिल्कुल प्रॉपर एकदम से, और बड़े अच्छे टेस्टी, आप भी खा सकते हैं, बनाइए। सर्दी आ गई है, क्योंकि गरम गरम लड्डू खाएंगे आप, ये अगर तिल के लड्डू खाते हैं तो आपको सर्दी महसूस नहीं देती है, तो आप खा सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हम सुबह मंदिर गए थे और शाम को मैंने टेस्टी लड्डू बनाए, और अब हम आए हैं वॉक करके, और खाना हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट, और रात के बज चुके हैं 9:30। तो गाइस अब लेती हूँ मैं आपसे विदा, प्लीज आपको वीडियोस पूरी देखनी है लास्ट तक, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, ओके बाय बाय, गुड नाइट।